हेलो एवरीवन, एक कैपेसिटर के लेक्चर में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। उस क्वेश्चन का जब मैं सॉल्यूशन निकाल रहा था तो मुझसे कुछ एक दो तीन स्टेप की गलतियां हो गई थी, तो वो क्वेश्चन अपने से सॉल्व नहीं हो पाया। तो वो क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी ये दो प्लेट्स है, ओके, और इनके बीच में ऐसे डाइलेक्ट्रिक भर दिया था, राइट। यहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, ये था K1, और यहां का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था ये था K2, बराबर। ये डिस्टेंस आपको दिया था D, ऑलराइट, ओके, और ये विड्थ आपको दी थी A, और क्या बोला था, स्क्वेयर प्लेट्स है, राइट। तो ये स्क्वेयर प्लेट्स है, तो ऑब्वियसली इनकी इधर की विड्थ भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच मैंने यूज किया था, इसका मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड सी इक्विवेलेंट, मुझे सी इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो मैं सी इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करूंगा, देखो सी इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए मैंने अप्रोच जो यूज किया था, अप्रोच ऐसा था मेरा, मैंने क्या किया था, ये दो प्लेट्स थी, ठीक है, तो इन दो प्लेट्स के लिए सबसे पहले ये जो इनको डिवाइड करने वाली लाइन है डाइलेक्ट्रिक्स को, तो इसको लिया था मैंने वाई एक्सिस और इसको लिया था मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस लाइन का सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखा था। इस लाइन का इक्वेशन क्या आया था बच्चों, इस लाइन का इक्वेशन आया था वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ना आएगा क्योंकि ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है। इसका स्लोप क्या आएगा, ये डिस्टेंस कितना है डी और ये डिस्टेंस कितना है ए, तो इसका स्लोप क्या आएगा, एम इज इक्वल टू डी अपॉन ए, तो वाई इज इक्वल टू डी अपॉन ए इंटू एक्स, ओके, इसको याद रखो, इक्वेशन नंबर वन, ये हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो अभी मैंने क्या किया था, इसका कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए मैंने यहां से एक ऐसा एलिमेंट लिया था, राइट, एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, कितने साइज का, dx साइज का। तो ये एलिमेंट लेने से क्या हो गया कि देखो ये ऐसा एलिमेंट आएगा, राइट, ऐसा ऐसा। अब इस एलिमेंट में यहां तक K1 डाइलेक्ट्रिक है, यहां तक कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, देखो ये कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, K1, और उसके ऊपर कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, उसके ऊपर है K2, ये वाला डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है सबको। तो इसका मतलब ये दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो गया ना। तो इफ आई टेक दिस पार्ट, ये इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है, ये कितना पार्ट है, ये dx, इफ आई टेक दिस असाइड आई विल गेट दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन, मुझे ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है। अब मैं इतने पार्ट का टोटल मान के चल रहा था dc, याद है, ओके, नहीं भी याद होगा अभी समझ लो, मैं टोटल मान के चल रहा था ये इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो इस एलिमेंट का कैपेसिटेंस कितना था डीसी, इसमें जो ये ऊपर का K2 है इसका DC2, और ये जो नीचे का है इसका DC1, और दोनों क्या होंगे सीरीज में, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डी उसको डिवाइड किया ना। अब इसका काम यहां पे आएगा, देखो ये जो हाइट होगी ये हाइट क्या आएगी, ये हाइट आएगी y, और ये जो होगी ये क्या आएगी, ये आएगी d-y। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये जो विड्थ है इसकी ये है d-y, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है y, ओके। इसमें जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो डाइलेक्ट्रिक है K1, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है वो है डाइलेक्ट्रिक K2, ओके। अब मैं पहले DC1 की वैल्यू फाइंड करूंगा, DC2 फाइंड करूंगा, इन दोनों से फिर DC फाइंड करूंगा, और फिर मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा यहां से लेके यहां तक, जीरो से लेके A तक। तो मुझे पूरे कैपेसिटर का मिल जाएगा ना, पूरे कैपेसिटर का मिल जाएगा, ये K1 और ये K2, पूरे कैपेसिटर का मिल जाएगा। तो मैंने लिया था ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट, ओके, ये एलिमेंट कितना है
डीएक्स, ऐसे में सारे एलिमेंट का इंटीग्रेट करूंगा, ऐड करूंगा, समेशन करूंगा, तो मुझे पूरे कैपेसिटर का मिल जाएगा कैपेसिटेंस। तो चलो पहले मैं डीसी फाइंड कर लेता हूं, एलिमेंट का फाइंड कर लेता हूं। कह रहा है इसे 1 बाय डीसी इज इक्वल टू 1 बाय डीसी 1 प्लस 1 बाय डीसी 2। व्हाई? बिकॉज दे आर इन सीरीज। अब डीसी 1 की वैल्यू क्या आएगी? डीसी 1 इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये जो एरिया है आपका, ये एरिया क्या आएगा, इसकी विड्थ क्या है, लेंथ ए, यहां से लेके यहां तक लेंथ ए, और ये विड्थ कितनी है, dx, तो स्ट्रिप का एरिया आएगा adx। तो एरिया adx epsilon not k1 upon d, और इसका जो d डिस्टेंस है, ये विड्थ, ये थिकनेस कितनी है, d माइनस वाई, सॉरी मैं dc1 का ले रहा हूं ना, तो उसके लिए मुझे y लेना पड़ेगा, ये आएगा y, और dc2 क्या आएगा, adx, क्योंकि उसके लिए भी वही एरिया आएगा, ये इसका एरिया, जो इसका एरिया है वही उसका एरिया, इनटू एप्सिलॉन नॉट के टू अपॉन उसकी विड्थ कितनी है, डी माइनस वाई। ये आ गए मेरे पास डीसी वन और डीसी टू, ठीक है। अब ये डीसी वन डीसी टू को मैं यहां पे पुट करता हूं, तो ये आएगा वन बाय डीसी इज इक्वल टू डीसी वन का रेसिप्रोकल क्या आएगा, वाई अपॉन ए डी एक्स, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट के वन, ओके समझो इस बात को ना, इप्सिलॉन नॉट के वन, और डीसी टू का रेसिप्रोकल क्या आएगा, ये डीसी टू का रेसिप्रोकल आएगा डी माइनस वाई अपॉन ए डी एक्स, ये भी एरिया एडीएक्स, ये भी एरिया एडीएक्स, इंटू इप्सिलॉन नॉट के टू, सही है, यहां तक ये बराबर है, ओके ओके। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर उसका रेसिप्रोकल निकाल के डीसी आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें से जो जो कॉमन निकलता है वो निकाल लेता हूं, क्या क्या कॉमन निकलता है, देखो मैं क्या क्या कॉमन निकाल रहा हूं, इसको केयरफुली देखो, मैं एडीएक्स कॉमन निकाल सकता हूं, मैं इप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकता हूं, जो निकलता है उसको कॉमन निकाल लो, ए इंटू डीएक्स निकल गया, इप्सिलॉन नॉट निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचा, वाई अपॉन के वन प्लस डी माइनस वाई अपॉन के टू, एग्री। अब मेरी ये जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू मुझे वहां पे पुट करनी पड़ेगी, यहां पे, और जब मैं y की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो तब मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगा, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई किए बिना आप 1 बाय डीसी का रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, और 1 बाय डीसी का रेसिप्रोकल जब तक नहीं लेते आप डीसी का इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकते। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करूं मैं इसको, मैं के टू इसको दे देता हूं, मैं इसको ऐसे, ये के टू डी वाई के टू वाई वाई के टू, ये हो जाएगा डी वाई के टू और ये वाई बाई के टू। अब वाई बाई के वन माइनस वाई बाई के टू ना, तो वाई बाई के वन माइनस वाई बाई के टू से वाई कॉमन निकलेगा, वन बाय ए डी एक्स इप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में बचेगा वाई वाई कॉमन ले लिया, वन बाय के वन माइनस वन बाय के टू प्लस डी बाई के टू, ठीक है। अभी y की वैल्यू d बाई ए एक्स आप यहां पे पुट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे पुट कर दूंगा मैं, अभी मैं सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा dc, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा a इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स, और ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट डिवीजन में आएगा ना, ये पूरा ब्रैकेट डिवीजन में आएगा क्योंकि रेसिप्रोकल किया है। y की जगह में ये पुट करने वाला हूं d by a into x, so d by a into x into क्या आएगा, इसको k2 को इधर लेके जाओ, k1 को इधर लेके जाओ, आएगा k2 minus k1 upon k1 k2 plus d by k2, ठीक है, ये आ गया। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा टोटल कैपेसिटेंस। अब उस दिन जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो शायद मैंने यही पे कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है, जो मिस्टेक मुझे नहीं मिली आखिर तक, तो मैंने इसको वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां से कहां तक आएंगे बच्चों, लिमिट्स के इंटीग्रेशन जो होंगे, सॉरी इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स होंगे जीरो से लेके ए तक होंगे, देखो जीरो टू ए, तो यह आएगा जीरो टू ए। अब इसको इक्वेट करो, ये देखो ए एप्सिलॉन तो कॉन्स्टेंट है आपका, तो वो कॉन्स्टेंट वैसे का वैसा रहेगा, और ये dx अपॉन समथिंग है ना, ये आपका समथिंग है, तो 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या रहता है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन समथिंग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन समथिंग
इज लॉग ऑफ समथिंग, याद है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन समथिंग, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन समथिंग इज लॉग ऑफ समथिंग, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा देखो लॉग ऑफ समथिंग, ये ब्रैकेट है, समथिंग ये ब्रैकेट है, ये है डी बाई ए इंटू के टू माइनस के वन, के टू माइनस के वन अपॉन के वन के टू प्लस डी बाय के टू, ये आपका समथिंग आ गया। और इंटीग्रेशन का एक और रूल होता है, देखो इंटीग्रेशन का रूल होता है जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो डिवीजन में आना चाहिए, तो यहां पे एक्स का कोएफिशिएंट, ये एक्स है ना, यहां पे मैंने मल्टीप्लिकेशन में एक्स लिया नहीं, ले लेता हूं प्लस डी बाय के टू, हाँ ये एक्स का जो कोएफिशिएंट है, देखो एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट ये है ना, तो कोएफिशिएंट डिवीजन में आएगा, तो इसके डिवीजन में क्या आएगा, ये एक्स का कोएफिशिएंट, ये क्या है डी बाय ए इंटू के टू माइनस के वन अपॉन के वन के टू, देखो एक्स का कोएफिशिएंट डिवीजन में आ गया, ठीक है ओके। अब ये क्या आएगा, अभी इसके लिमिट्स मुझे पुट करने पड़ेंगे, अब इसके लिमिट्स कहां से कहां तक है, तो लिमिट्स तो आप लोग जानते हो, लिमिट्स जीरो से लेके ए तक है, तो पहले अपर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहां पे ए, फिर लोअर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जीरो, जब मैं अपर वैल्यू पुट करूंगा ए तो ए और ए क्या हो जाएगा कैंसल, और जब मैं जीरो पुट करूंगा तो ये पूरी टर्म की टर्म जीरो हो जाएगी, तो मैं आपको समझ में आए इसलिए इसको ठीक से लिखता हूं, ठीक है यहां पे लिख रहा हूं मैं, होपफुली आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो a, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, a इंटू a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये k1 k2 ये भी ऊपर जाएगा epsilon नॉट k1 k2 डिवाइड बाय बचेगा क्या d इंटू k2 माइनस k1, ठीक है। अब रही बात इसमें लिमिट्स की, तो log ऑफ पहले जो लिमिट है, पहला लिमिट a पुट करो, a और a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या d k2 माइनस k1, d इंटू के टू माइनस के वन डिवाइड बाय के वन के टू, ये पहला वैल्यू अपर वैल्यू, प्लस डी बाई के टू भी है ना, प्लस डी बाई के टू भी है, प्लस डी बाई के टू भी है, मैं उसको कैसे भूल सकता हूं, डी बाई के टू को कैसे भूल सकते हैं आप, है कि नहीं, डी बाई के टू भी आएगा ना साथ साथ, इंटू देखो इंटू ये आ गया लॉग, ये अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू के लिए क्या आएगा, ये जीरो पुट करो सिर्फ डी बाई के टू बचेगा, ओनली डी बाई के टू, ये आ गया, तो ये टर्म तो आपकी ब्रैकेट के बाहर है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या है, लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग, एंड व्हाट इज लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग इज लॉग ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग ना, लॉग ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, तो यहां पर मैं इसको मिटाता हूं, रुको ये डायग्राम को मिटा देता हूं मैं, ये इसको रहने देता हूं, ठीक है, देखो लॉग ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, तो इसका सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाइड वर्जन कैसे आएगा, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसा आएगा, लॉग ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग करना पड़ेगा, तो ये आएगा ए स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट के वन के टू डिवाइड बाय ये नीचे क्या है डी इन ब्रैकेट के टू माइनस के वन, इसमें क्या आएगा लॉग ऑफ दिस ब्रैकेट अपॉन दिस ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट अपॉन दिस ब्रैकेट, अब दिस ब्रैकेट अपॉन दिस ब्रैकेट, तो इसको ये डिवाइड करेगा और इसको भी यही डिवाइड करेगा, तो क्या होगा ये होगा डी के टू माइनस के वन अपॉन के वन के टू टोटल डिवाइड बाय, ये क्या होगा डी बाई के टू, दिखा दे रहा है सबको, ठीक है, ये d by k2 इसको भी डिवाइड करेगा, ये d by k2 इसको भी डिवाइड करेगा, तो d by k2 अपॉन d by k2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, बराबर है, d by k2 अपॉन d by k2 1, और इसको भी डिवीजन में d by k2 जाएगा, क्योंकि log of something माइनस log of something, तो something अपॉन something, this अपॉन this, इसने इसको भी डिवाइड किया, इसने इसको भी डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड किया तो क्या होगा कैंसिलेशन होगा, देखो क्या कैंसिल होता है, चेक करो क्या कैंसिल होता है, डी और डी कैंसिल, के टू और के टू कैंसिल, नीचे बचा सिर्फ के वन, तो ये आ जाएगा देखो बच्चों ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के वन के टू इंटू डी इंटू के टू माइनस के वन इन ब्रैकेट लॉग ऑफ, ये होगा के टू माइनस के वन, के टू माइनस के वन अपॉन क्या बचेगा के वन, और ये प्लस वन, अब देखो
K2 by K1, K1 by K1 कितना होगा? K1 by K1, K1 by K1 is 1 ना, और ये minus है, तो minus 1 plus 1 cancel, बचेगा सिर्फ K2 by K1, तो ultimately बचेगा A square epsilon naught K1 K2 D K2 minus K1, ये होगा log of K2 by K1, ये आपका आंसर है। समझे कि नहीं समझे? देख लो अच्छे से एक बार, ये प्रोसीजर है, ठीक है, ये प्रोसीजर है आपका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार लिख लो, ये क्वेश्चन था। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको 15 मिनट में एक्सप्लेन किया, उस दिन हाफ एन आवर चला गया, लेकिन गलती का होगी समझ में नहीं आई। आई होप कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं भी समझ में आया तो इसको फिर से एक बार देखो, ये प्रीवियस ईयर जेई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको एचसी वर्मा से लिया था अपन ने क्वेश्चन, राइट, ये वही क्वेश्चन है, ये आ गया उसका सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी सारी स्टेप्स आप एक बार चेक कर लो। आज यही पे रुकते हैं, चलो गुड डे।